नमस्कार। इस वीडियो में आपको न्यूरोथेरेपी का बहुत महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, जो आजकल जो कंडीशन चल रही है, बहुत सारे लोगों को निमोनिया की समस्या हो रही है। मैंने पिछले वीडियोस में कुछ छोटी छोटी टिप्स आपको, घरेलू टिप्स दी हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में इस ट्रीटमेंट का भी इस्तेमाल करिए। न्यूरोथेरेपी का ये ट्रीटमेंट निमोनिया पेशेंट के लिए रामबाण की तरह काम करता है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट टेस्टेड है, यानी बहुत सारे निमोनिया पेशेंट को दिया जा चुका है, उनको बहुत लाभ पहुंचा है। तो आप आंख बंद कर इस पर ब्लाइंड फेड कर इस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और निश्चित तौर पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि न्यूरोथेरेपी से आप निराश नहीं होंगे। ये ट्रीटमेंट अगर आप सुबह दोपहर शाम कर लेते हैं तो और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, क्योंकि निमोनिया जैसे केसेस में हमें बार 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 ट्रीटमेंट देंगे तो रिकवरी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस वीडियो में आपको न्यूरोथेरेपी का वो मेरेकल ट्रीटमेंट सिखाने जा रहा हूँ, वो मेन ट्रीटमेंट सिखाने जा रहा हूँ जो निमोनिया पेशेंट को ठीक कर सकता है। बस आपसे निवेदन है कि ठीक से हर चीज को समझना, उसके बाद उसको अप्लाई करना। काउंटिंग पोजिशन और सिक्वेंस, जिस काउंटिंग को मैं आपको बोल रहा हूँ उस काउंटिंग के साथ ही आपने काम करना है, जिस सिक्वेंस से मैं बोल रहा हूँ उसी सिक्वेंस से आपने ट्रीटमेंट देना है, और जिस प्रेशर के साथ मैं बोल रहा हूँ उतना ही आपने प्रेशर देना है। काउंटिंग भी रखनी है, पोजिशन भी ध्यान करनी है। तो ये सारी चीजें ध्यान करेंगे तो आपके पेशेंट को बहुत जल्दी लाभ होगा, और सुबह और दोपहर और शाम ये ट्रीटमेंट देंगे तो बहुत जबरदस्त ट्रीटमेंट्स के रिजल्ट मिलेंगे। तो आइए सीखते हैं निमोनिया में न्यूरोथेरेपी का मेरेकल ट्रीटमेंट। इसमें मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसको चार स्टेप में हम देंगे। फर्स्ट स्टेप में 15 मेडुला दो बार देंगे, आधे आधे मिनट के गैप में देंगे, अभी प्रैक्टिकली आपको सिखाऊंगा मैं। सेकंड स्टेप में हम 20 मेडुला दो बार देंगे, आधे आधे मिनट के गैप में देंगे। थर्ड ट्रीटमेंट है हमारा 7 लिवर 7 म्यूकोजीरो 6 लंग शोल्डर। ये हमारा स्पेशल ट्रीटमेंट है फॉर निमोनिया, जिसको हम एंजियोटेंसिन नंबर 2 भी बोलते हैं। और चौथा ट्रीटमेंट है हमारा, ये बहुत लोगों को फेमस ट्रीटमेंट है, ऑक्सीजन फॉर्मूला, जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकता है और बढ़ाता है। ये आप इस ट्रीटमेंट को देने से पहले किसी का भी ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं, और इस ट्रीटमेंट को देने के बाद आप उस पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं। दोनों में आपको प्रूफ हो जाएगा कि न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट कितना असरदार है। सुबह दोपहर शाम देंगे, शाम तक आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, ये भी गारंटी है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस मेरेकल ट्रीटमेंट की, जिसका जो स्पेशली दिया जाता है निमोनिया में। तो पहला फर्स्ट स्टेप है 15 मेडुला के दो ट्रीटमेंट। इसके लिए पेशेंट को लिटाकर भी दे सकते हैं, अगर पेशेंट की स्थिति बैठने लायक नहीं हो रही है तो लिटाकर दे सकते हैं, अगर पेशेंट बैठ सकता है तो बिठा कर देना है। तो मैं बिठा कर देता हूँ, आपको अगर लगता है तो ये लिटाकर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले पेशेंट को बिठा देना है, इस तरीके से ये पेशेंट बैठे हुए और इनके दोनों तरफ से ये आपने थोड़ा सा पाउडर लेना हाथ में और दोनों हाथों में डिवाइड कर लेना है, और कान के इधर और कान के इधर दोनों तरफ आपने लगा देना है, ठीक कान के नीचे लगाना है। आप पोजीशन को ध्यान से देख लेना ताकि आपको कोई गड़बड़ी ना हो, आपको कोई भूल चूक ना हो, क्योंकि बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और बहुत ध्यान से दिया जाने वाला है। मैंने यहाँ पे बोला 15 मेडुला के दो ट्रीटमेंट देने हैं। 15 मेडुला हमारे काउंटिंग पेयर में होती है, तो यहाँ पर 30 जब मैं करूंगा, 30 रब करूंगा तो यानी 15 पेयर हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, 15 मेडुला के दो ट्रीटमेंट, पहले लेफ्ट से देंगे फिर राइट में देंगे। इस तरीके से रखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30। 30 बार इधर किया तो इसे पेयर में काउंट करेंगे तो ये 15 पेयर हो गए। सेम ऐसे ही हम राइट में करेंगे, इधर देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। और ये ऊपर से नीचे ही करना है, ऊपर से नीचे ही करना, पूरा लेकर आना है, इसलिए पूरा हाथ इस तरीके से उंगली आपने रखनी है, ठीक है। ये हो गया 15 मेडुला एक बार, इसको दो बार रिपीट करना है, क्योंकि मैंने वहां लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय दो ट्रीटमेंट, यानी कि आधे मिनट के गैप में इसको दोबारा से रिपीट करना है। आप जब पेशेंट को देंगे तो उसको दो बार रिपीट जरूर करेंगे। अब मैंने सेकंड स्टेप पर चला जाता हूं, सेकंड स्टेप को एक मिनट के बाद देना है, यानी कि जब आप 15 मेडुला के दोनों ट्रीटमेंट अप्लाई कर चुके होंगे आधे आधे मिनट के गैप में, तो एक मिनट का गैप देना है, और फिर आपने 20 मेडुला के दो ट्रीटमेंट देने हैं। एक बार मैं देता हूं, आपने जब भी देंगे आप दो बार देंगे। तो इधर से देखेंगे 20 मेडुला से वही काउंटिंग रखनी है, डबल करना है।
यानी कि हम पेयर में देंगे तो 40 बार मैं करूंगा और पेयर में से 20 काउंट करते हैं। कैसे देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 हो गए, यानी कि 20 पेयर हो गया। ये देने के तुरंत बाद हमने राइट में देना है। जब हम दोनों तरफ दे देते हैं तो ये पूरा वन ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, मैंने 40 कहा और यानी कि 20 पेयर हो गए। 40 इधर दिया, 40 इधर दिया, ये 20 मेडुला कंप्लीट हो गए, क्योंकि वहां पर मैंने लिखा है 20 मेडुला मल्टीप्लाई बाय दो ट्रीटमेंट, यानी कि आधे मिनट के गैप में फिर ये दोबारा रिपीट करना है। 20 मेडुला इधर, 20 मेडुला इधर, यानी कि 40 बार रब ऊपर से नीचे इधर और 40 बार ऊपर से नीचे इधर, तो ये 15 मेडुला के दो ट्रीटमेंट, 20 मेडुला के दो ट्रीटमेंट, इतना कंप्लीट हुआ। इसके बाद एक हमारा फॉर्मूला स्लो दो बार रिपीट करना है, आधे आधे मिनट के गैप में इसको दो बार रिपीट करना है, यानी 15 मेडुला के दो ट्रीटमेंट रिपीट करने हैं, 20 मेडुला के दो बार रिपीट करने हैं। और अब हम तीसरा स्टेप दे रहे हैं जिसका नाम है एंजियोटेंशन नंबर 2, जो है 7 लिवर, 7 म्यूकस 0, 6 लंग शोल्डर। ठीक है, तो आइए देखते हैं 7 लिवर कैसे देंगे। पेशेंट को लिटा दीजिए, आप इस तरीके से पिलो लगा दीजिए और ये हाथ ऐसे रखिए, जिधर मैं दे रहा हूं उधर ही देना, ये इनका लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में ही अपने ये इस्तेमाल करना है। घुटने से लेकर हम 3 पॉइंट डिवाइड करेंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। दोबारा से देखिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट हमने यहां डिवाइड कर लिए। ठीक है, तो 1, 2, 3 और नीचे से इसको भी डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, तो तीसरा पॉइंट यहां का और तीसरा पॉइंट यहां का, दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर दूसरा पॉइंट दोनों का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर पहला पॉइंट दोनों का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 3 लीवर हो गए। फिर चौथा ऊपर से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर पांचवा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर छठा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बीच में सातवां पॉइंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 7 लीवर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सातवां। अब 7 म्यूकस 0 देना है, मैं जिस सीक्वेंस में बता रहा हूं आपने उसी सीक्वेंस में आपने ही अप्लाई करना है। अब इस हाथ में ऐसे ही जो हमने यहाँ के 3 पॉइंट बनाए थे, 1, 2, 3, ये 3 पॉइंट बनेंगे, और अब ये हाथ जो है हम इस कंधे के बराबर में रखेंगे यहां से, तो ये पॉइंट यहां रहेगा और ये तीसरा पॉइंट ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर ये हाथ उठाकर यहीं आ जाएगा, ये हाथ उठाकर दूसरे पॉइंट पर चला जाएगा, फिर उठाकर ये दूसरे पॉइंट पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर ये हाथ उठाकर ये हर बार यहीं रहेगा, ये आगे चला जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर ये हाथ उठाकर यहीं और ये पहले पर आ जाएगा। चौथा पॉइंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर पांचवा पॉइंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर छठा पॉइंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये सातवां पॉइंट, सातवां बीच में देना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो ये सातवां पॉइंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 म्यूकस 0, इसको बोलते हैं म्यूकस 0, ये कंप्लीट हुआ, 7 लिवर 0, 7 म्यूकस 0, 6 लंग शोल्डर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लंग्स को स्टिमुलेट करने का तरीका है। ये हमारी कॉलर बोन है, आप ये छुएंगे तो ये कॉलर बोन है। कॉलर बोन के नीचे छोटा सा एक गड्ढा है, इसके नीचे ठीक नीचे ही है यहाँ पर, इस पॉइंट को हम बोलते हैं लंग्स का पॉइंट। ठीक है, तो ये हमने प्रेस करना है। ये प्रेस करने के बाद में दोनों हाथों को हमने इस तरीके से होल्ड रखना है, इस तरीके से आप इस तरीके से होल्ड रखना है, यानी कि यहाँ पर 6 सेकंड का होल्ड करना है, 6 बार करना है। आइए देखते हैं, हथेली से कर सकते हैं, अंगूठे से भी कर सकते हैं। हथेली से करेंगे तो ज्यादा स्पेस आएगा, ये हाथ यहाँ रखा और हल्का सा प्रेशर दिया अंदर, हल्का सा प्रेशर और यहाँ पर 6 सेकंड का होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर दोबारा से रिपीट। ये कॉलर बोन है, कॉलर बोन पर प्रेशर नहीं आना चाहिए, कॉलर बोन से नीचे है, तो यहां पर ये प्रेशर दिया और यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आप अंगूठे से देना चाहे अंगूठे से भी दे सकते हैं, इस तरीके से प्रेशर दिया और फिर यहां से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 हथेली से देना चाहे हथेली से 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलर बोन से थोड़ा सा नीचे देना, कॉलर बोन पर प्रेशर नहीं आना चाहिए। ये प्रेशर दिया हल्का सा जर्क के साथ में 1, 2, 3, 4, 5, 6 या अंगूठे से दे सकते हैं इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ऐसे आपने 6 बार करना है। 6 लंग्स प्लस शोल्डर, ये लंग्स को स्टिमुलेट करता है ये पार्ट, ये अपेक्स का पार्ट है, यानी कि लंग्स के अपेक्स यानी ऊपरी नहीं पार्ट है। यहां पर एक कन्वर्टिंग एंजाइम बनता है, यहां पर एक कन्वर्टिंग एंजाइम बनता है जिसको हमने स्टिमुलेट करना है, इसलिए हम लंग्स पर प्रेशर दे रहे हैं और शोल्डर पर होल्ड कर रहे हैं। नीरोथेरेपी का ये ट्रीटमेंट बना 7 लिवर 7 म्यूकस 0 6 लंग शोल्डर, बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है लंग्स को स्टिमुलेट करने के लिए, तो ये आपने अप्लाई करना है। ये लगातार अप्लाई करेंगे, फिर 1 मिनट के बाद में हमने ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देना है। ऑक्सीजन फॉर्मूला, ये वो फॉर्मूला है नीरोथेरेपी का, जबरदस्त ट्रीटमेंट है जिसके जो टेस्टेड है, जिससे नीरोथेरेपी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जा सकता है। मैंने इस ऑक्सीजन फॉर्मूले को बहुत ज्यादा लोगों को शेयर करा और आप यकीन करिए बहुत ज्यादा पूरे देश भर के लोगों ने से मुझे बहुत सारे फीडबैक आए कि इस फॉर्मूले ने बहुत कमाल कर दिया। तो ये फॉर्मूला आपको मैं दे रहा हूं जिसका नाम है ऑक्सीजन फॉर्मूला। आइए स्टेप बाय स्टेप इसको ध्यान में करना है, क्योंकि इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ऑक्सीजन लेवल निश्चित तौर पर बढ़ेगा। तो पहला ट्रीटमेंट है 8 चेस्ट ओनली, यानी कि आप काउंटिंग पर फोकस करना, आप नाम पर फोकस मत करिए, लंग्स को स्टिमुलेट करते हैं पहले। तो लंग्स को स्टिमुलेट करने के लिए 12 बार इधर रब करना है, 12 बार इधर करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसके बाद में आप हल्का सा तकिया लगा दीजिए यहाँ पर, और अगर स्किन रफ है या ड्राई है तो आप पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से यहां से और पूरा हल्का सा प्रेशर देते हुए नीचे की तरफ लाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 बार देने और फिर उल्टा करके हाथ को 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 बार इधर देना है और 6 बार आपको दूसरे हाथ में भी देना है। मैंने एक हाथ में दिया है, आपको दोनों हाथों पे इसको अप्लाई करना है। इसके बाद पेशेंट को उल्टे लिटाना है। उल्टे लिटाने के बाद में पेशेंट को कि लंग्स को पीछे से स्टिमुलेट करना है, क्योंकि पीछे वाले लंग्स को ही हमारे को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस समय पर। तो पीछे लंग्स को यानी कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लंग्स हम इससे स्टिमुलेट करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देख लीजिए, आपने काउंटिंग पर ध्यान करना है। अब 9 बार यहां पर रबिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2,
तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ यहाँ रबिंग करना है और नौ बार आपने इस तरीके से प्रेशर देना है। यहाँ हाथ रख लेना है, इसे यहाँ हाथ रख लेना है शोल्डर ब्लेड के साथ में, और हल्का सा प्रेशर बनाते हुए नीचे की तरफ आना है। एक नौ बार, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, ये नौ बार करना है। इसके बाद में इस तरीके से प्लेन बनाकर इनको आप पकड़वा सकते हैं, ये पकड़ लीजिए, और यहां से हथेली को रख सकते हैं यहां पर। हथेली से नीचे आना है और हथेली से ऊपर जाना है, ध्यान से देखना, और 20 बार करना है। यानी कि यहीं से हम काउंटिंग शुरू करेंगे और यहीं पर खत्म करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, तो ये 20 करना है। ये फर्स्ट हो गया। इसके बाद में स्पाइन के दोनों तरफ उंगली को रखना है, यानी कि ये स्पाइन बीच में ले लेना है और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों तरफ के उंगली को साइड में रखकर एक बीच में स्पाइन, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, मतलब ऊपर से ही लाकर ऊपर से ही खत्म करना है ये 20। अब तीसरी पोजीशन पे हमने क्या करना है, एक तरफ से लेकर आना है अंगूठे को और स्पाइन की दूसरी तरफ से हमने राउंड लगा देना है, राउंड लगा देना है। दोबारा से देखिए, मतलब एक तरफ से मैं प्रेशर देते हुए नीचे की तरफ लाऊंगा और दूसरी तरफ से राउंड लगा दूंगा। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद में फिर हमने जैसे दोहराया था, नौ बार इधर और नौ बार इधर, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। इसके बाद में फिर वही नौ, हमने दोनों हाथों को स्पाइन के साथ में रखना है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, ये कंप्लीट करने के बाद पेशेंट को सीधे लिटा देना है और फिर वही जो हमने आगे शुरुआत में करा था, बारह बारह का राउंड, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, यानी कि बारह इधर करना है, बारह इधर करना है, फिर बारह इधर करना है, बारह इधर करना है, तो बारह बारह का राउंड आपने करना है, बारह इधर और बारह इधर, फिर बारह इधर, फिर बारह इधर,
फिर इसके बाद में जो हमने इसके बाद करा था, ये हाथ को इस तरीके से 6 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर हाथ को पलट कर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये आपने और दोनों हाथों पे करना है। जो काउंटिंग मैंने बताई है, मैंने काउंटिंग जो बताई है उतनी काउंटिंग करनी है। जहां 12 बोला है तो वह 12 करना है, जहां 9 बोला है वह 9 करना है, जहां 20 करना है तो वह 20 करना है। काउंटिंग का ध्यान रखना है, सीक्वेंस का ध्यान करना है और पोजीशन जिस पार्ट पर मैं दे रहा हूं वो पार्ट ध्यान करना है। इस तरीके से ये ऑक्सीजन फॉर्मूला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि ये सारे स्टेप, 15 मेडुला के 2 ट्रीटमेंट, 20 मेडुला के 2 ट्रीटमेंट, हमारा एंजियोटेंसिन नंबर 2 फॉर्मूला, 7 लीवर, 7 म्यूकस, 0 सिक्लन शोल्डर, और चौथा स्टेप हमारा ऑक्सीजन का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया। ये बहुत जबरदस्त ट्रीटमेंट है। आपको मैंने जो सिम्टम्स बताए, कब कभी हो रही है, बुखार आ रहा है, बार बार बुखार आ रहा है, बार बार उतर रहा है, ठंड लग रही है, कफ आ रहे हैं, बलगम आ रही है, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, श्वास खुलकर नहीं ले पा रहे हैं, इन सब कंडीशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और खास तौर से अगर डॉक्टर ने डिटेक्ट करा है, डायग्नोज करा है कि आपको निमोनिया की कंडीशन हो गई है, तो ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इससे सुबह दोपहर शाम आप अप्लाई करिए, आपके पेशेंट को 100% फर्क आएगा, 100% फर्क आएगा। न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से बहुत जल्दी आप रिकवरी कर सकते हैं। सुबह दोपहर शाम ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है। ये बहुत मेरेकल ट्रीटमेंट है, बहुत टेस्टेड है, बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ उठाया है, आप भी लाभ उठाइए और 3 दिन लगातार दीजिए, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, 3 दिन लगातार देने के बाद इसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज हम डेली अपलोड करते हैं अपने चैनल पर, और आपको वो वीडियोज मिले इसलिए नोटिफिकेशन आपको मिले, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैंने पिछली वीडियोज में कुछ निमोनिया से संबंधित कुछ घरेलू टिप्स दिए हैं, उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। मैं कोशिश नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे देता हूँ, वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।